21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा का प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि सिंगरौली जिले में 200 केंद्र बनाए गए हैं। इस केंद्रों में 21 जून को 21,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह वैक्सीन अभियान चुनाव की तरह बनाया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए टेस्टिंग, मास्क, सामाजिक दूरी, हैंड वॉश व सैनिटाइजर आदि सामान्य दैनिक व्यवहार का पालन तो करना जरूरी है ही, पर कोरोना को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी उपाय वैक्सीन लगवाना है। विश्व के अधिकांश ऐसे देश जहां 100% वैक्सीन हो गया है, वहां के लोग बिना मास्क लगाए आम दिनों की तरह स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगे हैं। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने पत्रकारों के बीच पत्रकार वार्ता में कहा कि जिले में 21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन महाअभियान 18 वर्ष से अधिक उम्र के 21,000 लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या कितने लोगों का लक्ष्य है? जो 21 तारीख से टीकाकरण का महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें जो जिले में 21,000 लोगों को टीकाकरण करने का हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम 200 केंद्र हमने स्थापित किए हैं। उन केंद्रों पर वृहद स्तर पर व्यवस्थाएँ रहेंगी और जो वहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं वो अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर आकर अपना टीकाकरण करा पाएंगे। एक नया लॉन्च की आप लोगों ने कि कार में भी जो आएंगे अपनी निजी कार उसमें भी लगाया जाएगा। हमने एक जो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया है और भी हम ड्राइव इन सेंटर उसमें इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। उसमें जो भी व्यक्ति जो अपने वाहन से आएंगे उसको वाहन में ही उनको टीकाकरण करने की कार्रवाई की जाएगी और उसके उपरांत वो जो निर्धारित पार्किंग होगी वहाँ अपना जो आधा घंटे का जो समय है वहाँ व्यतीत करेंगे, उसके उपरांत वो वहाँ से जा सकेंगे। इसमें ये ज़रूरी होगा कि वो अपना प्री रजिस्ट्रेशन करके आएँ जिससे कि उनको कम समय लगेगा और वो अपने जो अपने जो अपने वाहन में ही अपने वैक्सीनेशन अपने आप को करा पाएंगे।